वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये लग रहा है कि फर्स्ट इनटू लास्ट पे बनेगा, ऐसा दिख रहा है ना, लेकिन आपकी किताब में लिखा गया है कि इससे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, यानी कि इसको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर द स्क्वायर, यानी कि इसको स्क्वायर को बना करके, यानी स्क्वायर का मतलब इसको ऐसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसे क्या करना है, बनाना है। तो क्या कीजिएगा, ऐसा इसको देखिए, ऐसे इसको तोड़ना है, ठीक है, ऐसे इसको बनाना है कि इसका सबका आ जाना चाहिए वर्ग, यानी स्क्वायर आ जाना चाहिए। आखिर ये क्या कीजिएगा, आपको ये कैसे दिख रहा है, लेकिन उससे पहले एक मिनट, यहां बोला है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर इसका अस्तित्व है, माने सही है, तभी इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको सॉल्व कीजिएगा। तो भाई अस्तित्व चेक करने के लिए क्या करते हैं, तो अस्तित्व चेक करने के लिए एक फॉर्मूला होता है डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब ये D जो है यहाँ पे, इसको हम लोग विवेचक बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, विवेचक या विविक्तिकर बोल सकते हैं, विविक्तिकरण या विविक्तिकर बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं विवेचक। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में, मतलब कि ऐसे पूछा जा सकता है कि विवेचक निकालिए, तो जब भी बोलेगा विवेचक निकालिए तो उस डी बराबर फॉर्मूला भरेगा ये वाला, हम इसका विवेचक निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एक काम कीजिए, इसमें ए कौन है, पहला वाला ए है, ए बराबर हो जाएगा 2, बी बराबर हो जाएगा माइनस में 7, और सी बराबर हो जाएगा 3, है ए है माइनस में 7, आई 3 हो जाएगा सी। अब ले जाके इसमें भर देना है, भरने के बाद कभी भी वो माइनस में नहीं आना चाहिए। अगर माइनस में डी आया, माने इसका वैल्यू माइनस में आया, तो उसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अगर 0 आया या फिर प्लस में आया तो उसका अस्तित्व है, क्योंकि डी कहता है कि माइनस, जानते हो क्या होता है, माइनस एगो मनहूस नंबर है, माइनस किसी के साथ नहीं है। तुम चाहोगे कि कभी तुम माइनस में जाओ, कोई काम कर रहे हो तो तुम चाहोगे हमारा नुकसान हो, माइनस में जाओ, तो भाई डी कैसे चाहेगा। तो कभी भी डी का मान माइनस में होता ही नहीं, अगर माइनस में है तो बस वहीं पे छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन आगे बनाने की जरूरत नहीं है। तो चेक करते हैं बी कितना है, बी यहां पे है आपका माइनस में 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है, ए है आपका 2, और सी कितना है, सी है आपका 3। तो माइनस में 7 ये 49 हो जाएगा, लेकिन अब प्लस हो जाएगा, और ये 4 × 8 और 8 × 3 = 24, घटाइए तो 9 में से 4 जाएगा, हो जाएगा आपका 5, और 4 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा आपका 2। अब बताइए ये D निकाले हैं ना, विवेचक कितना आ गया, विवेचक आपका यानी D आ गया 25, माइनस में तो नहीं आया, या तो 0 होगा नहीं तो 0 से बड़ा होगा, यही हमेशा होता है। तो यहाँ पे जब आपका D बराबर प्लस में आया, इसका मतलब इस अस्तित्व इसका है, लिख सकते हैं इसका अस्तित्व है। अगर इसका अस्तित्व है तो इससे हम लोग क्या करें, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करें। तो एक बार इसका ऊपर यही आपको पहले लिख लेना है, उसके बाद इसको बनाना शुरू करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको ये पहली बार में ऊपर ही लिखना है, उसके बाद इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम लोग को बनाना है। एक ही क्वेश्चन है, पहले चेक करना है अस्तित्व, तो 0 से भाई बड़ा आया, माइनस में नहीं है, माइनस में जब नहीं आएगा तो अस्तित्व में है, ठीक है। अब देखिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि 2-3 तरीका से ही बन सकता है, ठीक है। एक मेथड आपको समझिए, यहाँ पे इसको वर्ग करना है, क्या करना है, हम लोगों को वर्गे ना करके बनाना है, तो वर्ग कीजिएगा, लेकिन वर्ग करने के बाद फिर उसको गुणा भाग कीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम इसको कर दे सबको घेर के, इसे यहाँ पे तो सिर्फ एक्स का स्क्वायर है ना, सबको घेर के स्क्वायर कर दे, फिर इसको बनाइएगा, तो क्या ये इतना आ पाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2×2 = 4x² हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। एक काम करते हैं, यहाँ जो भी नंबर होगा, अगर यहाँ 4 रहता ना, 4x² तो आराम रहता, क्या यहाँ पे हम चुपचाप यहाँ लिख देते 2x² पूरा का स्क्वायर हो जाता, 2×2 = 4x² है तो x², यहाँ जो भी नंबर होता है उस नंबर से सब में हम लोग गुणा करते हैं, ठीक है। तो 2x² - 7x अब +3 बटा यहाँ भी 2 कीजिए, बटा यहाँ भी 2 कीजिए, और बटा यहाँ भी 2 कीजिए, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो खाली बचेगा 1 से, यहाँ जो होगा उसी से भाग देते हैं हम लोग, ठीक है। 7x/2 अब +3/2 बराबर में क्या आया, 0। हमको ए देखो यहाँ पे बाबू क्या है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। एक बात बताइए, कोई ऐसा फॉर्मूला आपके दिमाग में है जो कि क्या हो, 3 हिस्सा में टूटा हुआ हो, एक जगह माइनस एक जगह प्लस हो, तो देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर वर्ग है ना, माइनस 2ab अब +b², समझ में आया। तो पहला वाला ए स्क्वायर हाई हो गया, ठीक है, दूसरा वाला b² मतलब 2ab ये वाला हो गया, और तीसरा वाला
ये बी स्क्वायर ये वाला हो गया, समझ में आया। तो ये तीनों अपना हिस्सा ले लेगा। ए स्क्वायर मतलब कि एक्स का स्क्वायर, ये ठीक है। 2ab यानी 2ab बराबर कितना है, माइनस सात एक्स है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी माइनस है, यानी 2ab बराबर कितना है, माइनस माइनस नहीं, अब तो दोनों माइनस है ना, सात एक्स है। ध्यान से देखिए, सात एक्स बट्टा दो, टू कितना है, टू। आ ए तो अब ये पता हुआ ना कि ए कितना है, यहाँ पे x है, ए यहाँ पे कितना हो गया x, यहाँ b अब बराबर में सात एक्स बट्टा, देखिए b का मान कैसे निकलता है, यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका, ये खत्म हो जाएगा, आई बी टू बी बचा, यहाँ पे सात बट्टा दो, तिरछा तिरछी गुणा होगा तो बी बराबर हो जाएगा सात बट्टा चार। बी का मान हमको क्या भरना है, सात बट्टा चार, कुछ नहीं करना है, यहाँ जो भी लिखे हैं तो भाई ए है तो ए हो गया, ठीक है। ए बराबर क्या दिया है, एक्स दिया है ना, तो ए बराबर एक्स, बी वाला हिस्सा बी के बराबर कर दो, सी वाला हिस्सा सी के बराबर कर दो, बात खत्म, ठीक है। यहाँ नहीं, यहाँ बी है, क्या है बी है, तो ये बी ही लिखना पड़ेगा। वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट इनटू लास्ट की तरह दिख रहा होगा, जैसे कि आप 4.2 में देखे थे, लेकिन वैसा नहीं बनाना है, वैसे है वही लेकिन बनाना वैसे नहीं है। इसको हम लोग को क्या करना है, इसको स्क्वायर मैथड द्वारा बनाना है, यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, यानी पूरा वर्ग करके बनाना है। तो उससे पहले एक और काम आपको करना है, सबसे पहले पता करना है कि जो क्वेश्चन है सही दिया है कि नहीं, यानी इसका अस्तित्व है कि नहीं, एग्जिस्टेंस जो होता है एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो पूछेगा ये अस्तित्व क्या होता है, तो अगर एक होता है डी, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, एक फॉर्मूला होता है। पूछिएगा डी क्या है, तो ये हो जाएगा आपका डी विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं उसको, विवेचक, ठीक है, या फिर विविक्तिकर भी बोलते हैं, ठीक है, दो गो इसका नाम है। कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा कि ये क्वेश्चन दिया है और इसका विवेचक निकालिए, तो फिर सोचिएगा ये क्या बोला है भाई, नहीं, जब भी बोले आपसे विवेचक निकालिए तो फॉर्मूला डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लगाएगा, विविक्तिकर बोलेगा तभी वही बोलना है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका अस्तित्व इस पर चेक किया था, अगर इसको बना रहे हैं आप, अब बनाने के बाद इसका वैल्यू प्लस में आना चाहिए, अगर माइनस में इसका आंसर आ गया तो उसका अस्तित्व नहीं है, अगर प्लस में इसका आंसर आया मैंने जोड़ में आया, घटाव में नहीं आया, जैसे कि मान लो कि हमने इसको सॉल्व किया माइनस दो आ गया, तो इसके आगे आप क्वेश्चन बोल दीजिएगा इसका अस्तित्व नहीं है भाई, ये नहीं बनेगा, ठीक है। अगर खाली दो आ गया, प्लस में आया है ना, कुछ नहीं है, तो इसको प्लस में बोलते हैं, तो इसका अस्तित्व है। तो डी को हम लोग विवेचक, विविक्तकर या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं यहाँ ए बराबर क्या है, समझिएगा ए बराबर पहला वाला ए है दो, ठीक है। बी बराबर क्या है, बी बराबर है ये वाला माइनस सात, और सी बराबर क्या है, तो सी बराबर तीन है। फॉर्मूला लगाइए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यहाँ डी बराबर बी कितना है, तो माइनस सात का स्क्वायर माइनस, ध्यान से समझिए, फोर ए, ए है दो और सी है तीन, डी बराबर सात सत्ते उनचास हो जाएगा, चार दून आठ तरीका चौबीस, डी बराबर क्या आ गया, ये घटाइएगा तो पच्चीस। अब बताइए कि डी का मान प्लस में आया है कि माइनस में, प्लस में आया है, इसका मतलब इसका अस्तित्व है, इसका मतलब इफ मतलब दे हैव एग्जिस्टेंस, इसके पास अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। जब इसका अस्तित्व है तब इस क्वेश्चन को आप फर्स्ट इंटू लास्ट में नहीं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पर तोड़िए। कैसे तोड़िएगा, क्वेश्चन ये है, ध्यान से समझिएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि दो तरीका से आप बना सकते हैं पूर्ण वर्ग, ठीक है। एक तरीका हम आपको ट्राई कर रहे हैं समझाने की, उम्मीद ये समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखिए इसको वर्ग बनाना है, माने कि ये 2x स्क्वायर, सिर्फ वर्ग किस पर है, पावर को हम लोग पावर दो को वर्ग कहते हैं, यहाँ सिर्फ x पर वर्ग है, जबकि पूर्ण वर्ग माने पूरा का वर्ग बनाना है, जितना भी ये है ना सबका वर्ग बनाना है। तो बताइए कि दो पर जब हम वर्ग बनाएंगे, x पर जब हम वर्ग बनाएंगे, तो उससे अच्छा हम लोग दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चार, आ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब बताइए हम इसको वर्ग बना रहे हैं तो कितना आ रहा है, चार एक्स स्क्वायर, लेकिन हम लोग को ऐसे वर्ग बनाना है कि हम चार ना इमा दो ही रह जाए, क्या उपाय कीजिएगा, आप सोचिए कि क्या उपाय कीजिएगा। इसको हम दो मेथड से बनाएंगे, ठीक है। उपाय क्या करना है, एक काम कर रहे हैं, अगर दो है ना तो रूट टू का वर्ग कर देते हैं,
का है, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, दो, आ ये वहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर मिला जुला के हमको रूट टू, इसको टू के जगह पर अगर हम रूट टू लिखते हैं आ एक्स आ दोनों का स्क्वायर करते हैं तो ये हमको संभव लग रहा है, ये दोनों का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर पर दोनों का हक है, तो इससे ये रूट खत्म हो जाएगा तो ये दो बचेगा, आई का बचेगा स्क्वायर बचेगा। हम फॉर्मूला कौन सा सेट कर रहे हैं तो देखिएगा, a माइनस बी के द होल स्क्वायर, पूरा वर्ग हो गया ना, उसी वर्ग से बनाना है, a माइनस बी के द होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, अब प्लस में होता है बी स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे भी एक नंबर है, माइनस है माइनस है, बीच में भी नंबर है बीच में भी नंबर है, प्लस है प्लस है, यहाँ भी नंबर है यहाँ भी नंबर है, लग रहा है कि इस पर सेट कर जाएगा। तो पहला वाला का तो हमने स्क्वायर कर दिया, उसके बाद है माइनस, अब इसको हम लोग तोड़ना है ना, तो टू ए, ए क्या माने है, तो अब ये तो किए हैं ना, इसको क्या माने हैं आप, ए यहाँ लिखिएगा, या ए बराबर क्या है टू एक्स है, तभी ना ए स्क्वायर किए हैं आप, ए स्क्वायर माइनस टू, ए क्या है फॉर्मूला में, ए है तो ये है टू रूट एक्स टू ए। अब बी का बारी है, बी कैसे मानिएगा, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, बी क्या करना, ऐसा नंबर भरिए कि सब कट जाए और सात एक्स बचे, तो हमें सात दिख रहा है कहीं तो सात लिखिए, ठीक है, तो सात में ये ऐसे होगा, ठीक है, सात है यहाँ पे, एक काम करते हैं सात है और यहाँ सात में एक से तो सात एक्स तो हो जाएगा, लेकिन हाई दो गो एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसको दोनों को कटाने के लिए इसके नीचे टू रूट टू, दो से दो कट जाएगा, रूट टू से रूट टू कट जाए, तो क्या बचेगा, सात एक्स बचेगा सॉल्व करने के बाद, माने इतना को सॉल्व कीजिएगा तो ये बचेगा, इसको सॉल्व कीजिएगा पूरा को तो ये बचेगा, लास्ट में हम क्या करते हैं ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये बी हुआ, अब प्लस में होता है बी स्क्वायर, प्लस में क्या हो गया बी स्क्वायर, ठीक है, तो एक बार माइनस में भी लिखते हैं बी स्क्वायर, जब एक बार प्लस में लिखते हैं तो एक बार क्या करते हैं माइनस में भी लिखते हैं, तो यहाँ से इसका काम हो गया, ठीक है, और लास्ट में बचा है प्लस में तीन बराबर में जीरो, ठीक है, यही आपको करना है, नहीं तो एक और मेथड है, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में तो एक बार माइनस में प्लस में तीन। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला है ए स्क्वायर टू ए बी बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस अपना देख लीजिए क्या होता है फॉर्मूला, रूट टू एक्स माइनस ए माइनस बी के द होल स्क्वायर, आ यहाँ क्या है यहाँ से यहाँ तक तो हम लिख दिए, आ ये है 749 अब बट्टा में ये हो जाएगा 8 प्लस 3 बराबर में 0, हमको x का मान निकालना है, ये दोनों को उधर भेज दीजिए, ठीक है, तो यहाँ देखिए ध्यान से समझते चलिए, रूट टू एक्स माइनस सेवन रूट टू का होल स्क्वायर, आई हो जाएगा प्लस में 49 बाई 8 आई माइनस में 3 बराबर 0, इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 8 बट्टा का जोड़ कर रहा है 49 8 3 का 24, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 25 बट्टा 8, ये वैसे ही उतार दीजिएगा, रूट टू एक्स माइनस सेवन बाई टू रूट टू का होल स्क्वायर, फिर वही बात रूट टू एक्स माइनस सेवन बाई टू रूट टू का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट हो जाता है। देखिए कोई भी बच्चा छोटा सा रहता है, अपने घर में रहता है तो बड़ा छोटा बन के रहेगा, और जैसे दूसरा टोला में आएगा पक्का मार करके आएगा, वो कहेगा सब मेरा ही है, तो यही उदंड बड़ा है, ये दो इधर छोटा बन करेगा, जैसे इधर जाएगा तो सबको घेर लेगा, रूट चढ़ा देगा, कहेगा सब हमारे बापे का है, देखिए कैसे बोलेगा, रूट टू एक्स माइनस सात बट्टा टू रूट टू, ये स्क्वायर है इधर गया तो बोला कि सबको हम घेरेंगे 25 बट्टा 8, ठीक है, यहाँ देखिए। लेकिन एक और बात आपको बता दें, जब भी स्क्वायर इधर जाता है तो रूट तो है लेकिन प्लस और माइनस साथ लेके जाता है, ठीक है, यहाँ देखिए अब इधर बच गया रूट टू एक्स माइनस सेवन बट्टा टू रूट टू, ठीक है, और बराबर में 25 का वर्गमूल होता है प्लस माइनस लिख दे 5, आ 8 का लिखना होगा तो टू रूट टू लिखेगा, ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको हम उधर भेजते हैं क्योंकि नंबर है ये भी नंबर है, तो यहाँ बचेगा रूट टू एक्स माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, एक बार प्लस लिए हैं 5 टू रूट टू, हाई माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 7 टू रूट टू, लघुत्तम निकालिएगा तो टू रूट टू ये हो जाएगा 5 प्लस 7 ये हो जाएगा रूट टू एक्स 7 5 12 रूट 7 5 12 अब बटा टू रूट
टू हो जाएगा, ठीक है। इसको नीचे लाएंगे क्योंकि गुणा में है तो ये कहाँ आएगा, भाग में आएगा, तो x बराबर हो जाएगा 12 बट्टा टू रूट टू इंटू रूट टू, 12 ये दो दूना चार, चार का वर्गमूल दो हो जाएगा, ये दोनों का वर्गमूल चार होता है, मतलब दोनों को गुणा करेंगे तो चार होगा, चार का वर्गमूल दो, दो दूना चार, फिर कटेगा चार तिहाई 12, एक्स बराबर एक कितना आया तीन, लेकिन इसका दो ठो एक्स का वैल्यू आएगा ना, कैसे, क्योंकि यहाँ पावर कितना है दो, जितना घात रहता है उतना ही एक्स का मान आता है, तो एक बार हम प्लस में पाँच रूट टू लिए हैं, अब यहाँ का लेंगे माइनस में, तो एक बार इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इसको इरेज कर देते, यहीं पर बनाते हैं, एक बार यहाँ से देखिए यही वाला, ये वाला यहाँ लिखते हैं हम रूट टू एक्स माइनस सात बट्टा टू रूट टू, आई प्लस में एक बार लेना, अब माइनस में लेंगे बराबर माइनस पाँच बट्टा टू रूट टू, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा आपका रूट टू एक्स बराबर माइनस पाँच बट्टा टू रूट टू अब प्लस सात बट्टा टू रूट टू, रूट टू एक्स बराबर इसका हो जाएगा टू रूट टू माइनस पाँच प्लस सात, रूट टू एक्स बराबर सात में से पाँच जाएगा बट्टा टू रूट टू हो जाएगा, और ये कितना, ये दो से दो कट गया, आई आ जाएगा नीचे, तो x बराबर होगा एक बट्टा रूट टू इंटू रूट टू, दो दूना कितना होता है चार, रूट में चार का वर्गमूल दो, तो एगो एक बट्टा दो आया, एगो तीन आया, तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए आ इसके बाद हम दूसरा मेथड से बना रहे हैं इसके अगले वाला क्वेश्चन, तब तक के लिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ 4.3 का क्वेश्चन नंबर वन का दो देखते हैं, ठीक है। बनाना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, यानी स्क्वायर मेथड वाला ही बनाना है, लेकिन तरीका हम लोगों का इस बार अलग होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। उससे पहले हम लोग इसका अस्तित्व चेक कर ले, यानी डी चेक कर ले, जिसको हम लोग बोलते हैं विवेचक। इसको बाबू दिमाग में रट लीजिए, बैठा लीजिए, फिट कर लीजिए, सेट कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, कि डी को विवेचक बोलेंगे। कभी भी आपसे पूछेगा कि इसका विवेचक निकालिए तो क्या निकालिएगा, ये दिमाग में आपको आना चाहिए। विवेचक का मतलब होता है d निकालिए, यानी कि आप d बराबर क्या करिएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, a बराबर क्या है दो है पहला वाला a, b बराबर क्या है वन है, और c बराबर क्या है माइनस में चार है। d निकालिए, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है तो b है वन का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है तो a हो जाएगा आपका दो, और c कितना है तो माइनस में चार है। एक का स्क्वायर कितना होता है एक ही होता है, और ये चार दूना आठ, आठ चौका 32, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 32 हो जाएगा, 32 और एक कितना होता है 33। अब बताइए डी बराबर यहाँ क्या है बाबू, 33 है। तो जब डी बराबर ये आपका हो गया 33, तो डी तो प्लस में है ना, यानी इसका अस्तित्व है, यहाँ लिख दीजिएगा अस्तित्व है। तो जब अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बनाएंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ये हम लोग देखते हैं। उसमें हम लोग आखिर देखिए उस मेथड से भी बन जाए, मतलब वो तरीका से भी क्या किए थे, रूट टू एक्स का स्क्वायर किए थे, लेकिन यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो नंबर होगा उस नंबर में सबसे भाग कर दीजिए, यानी यहाँ दो है ना उसी नंबर से सब में भाग कर दीजिए, यानी दो से मतलब क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ भाग करोगे तो जब इधर करोगे सब में दो से भाग, तो इधर भी दो से भाग करना पड़ेगा, तो दो में जीरो से भाग करोगे तो क्या होगा, सब तो जीरो हुए हो जाएगा ना, ठीक है। तो इधर भाग दो चाहे मत दो कौनों असर ना पड़ेगा, दो से भाग देने पर, दो से भाग देने पर किस में, हर में लिख लीजिएगा, डिनोमिनेटर में हम लोग नीचे दे रहे हैं ना, तो नीचे जब भाग दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर बट्टा टू प्लस एक्स बट्टा टू माइनस चार बट्टा दो, यही ना होगा जी, और बराबर में हो जाएगा जीरो। देखिए ये दो से दो का हो जाएगा कट जाएगा, ये दो दूना कितना हो जाएगा चार, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू माइनस दो बराबर में क्या हुआ जीरो, इधर दो भाग देने से कोई फायदा नहीं है। इस देखिए तो एक फॉर्मूला पे सेट होगा, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस, देखिए हम लोगों को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बनाना है तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, ए प्लस बी के द होल स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो भाई ए स्क्वायर हो गया और टू ए बी यानी दो नंबर वाला इसके स्थान पर है, ध्यान से समझिएगा, टू ए बी बराबर क्या है ये है। अब देखिए ये पहला वाला ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर नहीं, इसको हम ए कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एक्स को ए कहेंगे, अब बी हम लोग इसको कहेंगे, यानी कि टू ए बी बराबर क्या मानेंगे, एक्स बटा टू, टू ए कितना है तो ए तो एक्स है ना एक्स, अभी हम बी का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, x बाई टू, ये क्या हो जाएगा x से x कट जाएगा, अब
यहाँ 2b बराबर 1 बटा 2 बचा, दो दो ना कितना हो जाएगा 4, b बराबर बचेगा 1 बटा 4, यहाँ b बराबर 1 बटा 4 ही हम लोग लेंगे, ठीक है। तो कैसे लेंगे हम लोग, यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू, ठीक है। आज जो भी हम लोग बी लेंगे ना उसको स्क्वायर में लेते हैं क्योंकि हमको वर्ग बनाना है, तो एक बार नहीं दो बार लेंगे, एक बार लेंगे प्लस में एक बटा चार का स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बटा चार का स्क्वायर, इसको हम ऐसे इतना लिखें और लास्ट में माइनस दो बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिए इसको, इतना के बदले हम लोग एक चीज लिख सकते हैं ए माइनस एक बटा चार का होल स्क्वायर, इधर ए प्लस लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह प्लस। अब पूछेगा ये क्या लिख रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। याद रखिए जब भी ऐसा काम कीजिएगा ये तीन हो के बदले ये ए होता है ये बी होता है, तो ए प्लस बी के द होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये इतना ही पर टूटेगा, ठीक है। लास्ट में क्या बचा है, तो माइनस एक और चार का स्क्वायर होता है 16 और माइनस दो बराबर में हो जाएगा जीरो। यहाँ समझते रहिएगा, ध्यान से देखिए, जो डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए मुहूर्त के लिए नहीं दिया गया, समझ में नहीं आया तो उसमें पूछना भी है, ठीक है। यहां देखिए ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो एक बटा सोलह आई हो जाएगा प्लस में दो, ठीक है। अब इधर मिटाते हैं हम लोग, अब बताइए ये बटा का जोड़ कीजिए, तो यहां बचेगा एक्स प्लस एक बटा चार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लघुत्तम 16, एक बट्टा 16 दूना कितना हो जाएगा 32, ठीक है। x प्लस एक बट्टा चार का स्क्वायर और ये 32 और ये कितना हो जाएगा 33 बट्टा में 16, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, एक बट्टा चार बराबर अंडर रूट 33 बट्टा 16, लेकिन प्लस और माइनस लेके जाता है जब भी रूट लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए एक्स प्लस 1/4 प्लस माइनस रूट 33 और 16 का वर्गमूल 4, एक बार प्लस के साथ लीजिए तो x प्लस 1 बट्टा 4 बराबर प्लस 33 बट्टा 4, x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 33 बट्टा 4 और माइनस 1 बट्टा 4, सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा रूट 33 माइनस 1, ठीक है। x बराबर आपका एगो ई आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, हम इधर बनाते हैं, ठीक है। एक बार ये आपका आंसर होगा, एक बार हम प्लस के साथ लिए हैं, सिर्फ प्लस ये वाला लिए हैं, अब एक बार माइनस रूट 33 बटा 4 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1/4 बराबर माइनस रूट 33 बटा 4, तो x बराबर हो जाएगा माइनस रूट 33 बटा 4, प्लस में है एने जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में 1 बटा 4, ये हो जाएगा माइनस रूट 33 और माइनस में 1। तो एक बार ये आपका, माइनस कॉमन लीजिएगा तो भी वही बात है, एक आंसर आपका ये हो गया और दूसरा आपका ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आप पहले अस्तित्व चेक कीजिएगा, और अस्तित्व में अगर जीरो से बड़ा आ रहा है या जीरो आ रहा है तब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आप लोग ये इस्तेमाल कीजिएगा, आपके पास दोनों मेथड अवेलेबल है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा, अगर लगा हो मज़ेदार तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक के बटन पर लाइक मतलब क्लिक कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।